अस्त्रेदमस एक ऐसा भविष्यवक्ता जिसने 500 साल पहले जो भविष्यवाणियां की उनमें से कई सही साबित हो रही हैं। नास्त्रेदमस ने हिंदुस्तान के बारे में कई भविष्यवाणियां की थी, जिसमें इंदिरा और राजीव की भविष्यवाणी भी थी। आज हम नास्त्रेदमस की जिस भविष्यवाणी की बात करने वाले हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में है। फिलहाल जो हालात दिख रहे हैं उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि इस बार भी नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी सच साबित हो सकती है। आइए आपको दिखाते हैं क्या थी नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी। साल 1555, भारत में वो होगा जो दुनिया में नहीं होगा। एक गरीब घर में पैदा होगा दुनिया का मुक्ति दाता, और पहले सब लोग उससे नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सभी उससे प्यार करेंगे। ये बात 460 साल पुरानी है। शायद किसी के लिए उस वक्त यकीन करना भी मुश्किल होगा कि 460 साल पहले यानी 15वीं शताब्दी में भविष्य वक्ता नास्त्रेदमस की ये बात सच हो जाएगी। वही नास्त्रेदमस जिन्होंने 500 साल पहले ही भविष्य के गर्भ में झांक कर दुनिया के तमाम संभावित घटनाओं का पता लगा लिया था, उनकी ये भविष्यवाणी हिंदुस्तान के लिए थी। और ठीक 460 साल बाद इस भविष्यवाणी ने सच का रूप ले लिया। 26 मई 2014, गुजरात के एक छोटे से गांव बडनगर में चाय बेचने वाला यह शख्स दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहा था। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी का पहला हिस्सा सच का रूप ले रहा था, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के रूप में। वो नरेंद्र मोदी जिन्हें भारतीय राजनीति में अछूत करार दे दिया गया था। गुजरात दंगों के बाद पूरी सियासी जमात उनसे नफरत करती थी, लेकिन 2014 आते आते वो हिंदुस्तान की जनता के दुलारे बन गए। हिंदुस्तान में राजनीतिक बदलाव की ये कहानी भले ही 21वीं सदी के 14वें साल में लिखी गई, लेकिन इसकी भविष्यवाणी करीब 500 साल पहले हो चुकी थी। ये भविष्यवाणी एक ऐसे शख्स ने की थी जो ना नरेंद्र मोदी को जानता था, ना बीजेपी से वाकिफ था, ना उसे 21वीं सदी के भारतीय राजनीतिक घटनाक्रम की जानकारी थी। उसे कुछ पता था तो सिर्फ ये कि 21वीं सदी में भारतीय राजनीति में ऐसा बदलाव होगा जो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, एशिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर गहरा असर डालेगा। अपनी मशहूर किताब द प्रोफेसीज में नास्त्रेदमस ने ऐलान किया कि भारत विश्व शक्ति के रूप में स्थापित होगा। उसे ये दर्जा अपने महान शासक के बुद्धि कौशल के दम पर मिलेगा। नास्त्रेदमस के मुताबिक बताए गए राष्ट्रनायक के रूप में मोदी की छवि देखी जा रही है, और इसकी भी वजह है। फ्रांस के इस मशहूर भविष्य वक्ता के मुताबिक 2012 से 2025 के बीच दुनिया में विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनेगी। इन हालात में भारत शांति स्थापना में अहम रोल निभाएगा, सभी देश उसकी मदद की आस लगाएंगे। फिलहाल पूरी दुनिया में अशांति का माहौल है। इस हालात से निपटने के लिए पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। अशांति के इस माहौल में वो भारत ही है जो आतंकवाद के खिलाफ दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने दुनिया के हर मंच से आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई है। नास्त्रेदमस ने भी मोदी की ऐसी ही खूबियों की ओर इशारा किया था। अपनी मशहूर किताब द प्रोफेसीज में नास्त्रेदमस ने साफ तौर पर कहा, विश्व शक्ति के रूप में भारत की कायापलट हो जाएगी और दुश्मन देशों का वजूद मिट जाएगा। आजादी के बाद पिछले 60 सालों में भारत को सबसे ज्यादा मुश्किलें
पाकिस्तान और चीन के चलते ही उठानी पड़ी हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ऐसे हैं कि अगर पाकिस्तान ने अपना रवैया न बदला तो उसके वजूद पर खतरा आ जाएगा। बदले हालात में चीन का रवैया भी हिंदुस्तान के लिए बदलता हुआ नजर आ रहा है। ईस्वी कैलेंडर के साल 3797 तक के लिए भविष्यवाणी करने वाले नास्त्रेदमस के मुताबिक मोदी पूरे 20 साल तक ठसक से राज करेंगे और उनके कार्यकाल में भारत लगातार तरक्की की दिशा में आगे बढ़ेगा। राष्ट्रनायक की प्रसिद्धि, प्रशंसा और सत्ता शक्ति बढ़ती जाएगी। जमीन और समुद्र में उसके जैसा शक्तिशाली कोई दूसरा नहीं होगा। यानी आने वाले समय में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मोदी की तरफ देखेगी, उनके विजन को लेकर आगे बढ़ेगी। भारत का नया राष्ट्रनायक पूरी दुनिया को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। हिंदुस्तान की सियासत में भले ही ये नए युग का सूत्रपात हो, लेकिन नास्त्रेदमस की आंखों ने इसे बहुत पहले ही देख लिया था। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों पर अगर यकीन किया जाए तो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने का जो सपना मोदी ने देखा है वो साकार होने वाला है। 30 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। न वो नरेंद्र मोदी को जानता था और न ही नरेंद्र मोदी ने कभी उसे देखा, क्योंकि दोनों के बीच अंतर साल दो साल का नहीं बल्कि पूरे 500 साल का था। लेकिन नास्त्रेदमस की किताब में लिखी बातें हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल सही साबित हो रही हैं। शायद एक दशक पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि भारत एक नए दौर में नए नेता के साथ प्रवेश करने वाला है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नास्त्रेदमस की किताब में उसका जिक्र है। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। हिंदुस्तान में शुरू हो गया है युग परिवर्तन। नास्त्रेदमस के माने तो ऐसा बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जो हिंदुस्तान की काया पलट देगा। ये बदलाव हिंदुस्तान को नई महाशक्ति बना देगा। दुनिया के मंच पर जिस हिंदुस्तान को अब तक उसकी असल ताकत से कमजोर आंका जाता रहा है, उसके खिलाफ वक्त वक्त पर अमेरिका जैसी सुपर पावर ही नहीं, कई बार तो नेपाल और बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे देश भी मोर्चा खोलते रहे हैं, आंखें दिखाते रहे हैं। लेकिन नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी सच हुई तो अब ऐसा नहीं होगा। दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ता के भविष्यवाणी के मुताबिक पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने जा रही है। हिंदुस्तान सुपर पावर बनने जा रहा है। महाशक्तिमान मोदी हिंदुस्तान को महाशक्तिशाली बनाने जा रहे हैं। हिंदुस्तान सिर्फ ताकत और कूटनीति में ही अव्वल नहीं होगा बल्कि अर्थव्यवस्था से लेकर हर क्षेत्र में धुरंधर देशों के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा। नास्त्रेदमस के मुताबिक मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान का चौतरफा विकास होगा और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उसका दर्जा विश्व गुरु सरीखा होगा। सबसे बड़े भविष्य दृष्टा के मुताबिक दुनिया में भारत को सुपर पावर का रुतबा ऐसे ही हासिल नहीं होगा। हिंदुस्तान में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। निराशा और मंदी के असर से निकलकर देश तरक्की के नए रास्ते पर चलेगा, जिससे राष्ट्र की काया पलट होगी और देश अंदर से मजबूत होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ताकतवर बनकर उभरेगा। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने कड़े फैसले लिए हैं, पहले पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और फिर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नोटबंदी, उससे तो यही संकेत मिल रहा है कि भारत दुनिया में महाशक्ति बनने की राह पर चल पड़ा है। भारत में अर्थ क्रांति का एक नया युग शुरू हो चुका है। नास्त्रेदमस ने मोदी जैसे शख्सियत के बारे में फ्रेंच भाषा में लिखी अपनी किताब द प्रोफेसीज में कुछ इस तरह लिखा था कि एक अधेड़ शख्स भारत की दिशा और दशा बदल कर रख देगा। वो भारत का नेतृत्व करेगा और उसकी अगुवाई में भारत दुनिया में महाशक्तिशाली बन जाएगा। हिंदुस्तान में ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन की नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी तो सच साबित हुई। अब बारी है नास्त्रेदमस की अगली भविष्यवाणी के सच होने की। जिस तरह से नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं, उससे नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी सच साबित होती नजर आ रही है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी को अगर देखें तो आने वाले 26 साल तक मोदी की सत्ता बनी रहेगी।
अगर नास्त्रेदमस की ये भविष्यवाणी भी सच हुई तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान दुनिया के केंद्र में होगा और नास्त्रेदमस की हिंदुस्तान के महाशक्ति बनने की भविष्यवाणी भी सच साबित होगी। देश के लिए रिपोर्ट। दुनिया में इस वक्त उथल पुथल का दौर है, सत्ताएं बदल रही हैं, आतंकवाद सिर उठा रहा है। ऐसे में क्या होने वाला है भारत का भविष्य? क्या दुनिया के इस उथल पुथल से भारत पर भी पड़ेगा असर, या फिर आने वाले दशकों में सामने आएगा? दरअसल वो इस बात को सीधे नहीं कहते। उनका कहना है कि जिस देश का नाम किसी सागर के नाम पर है वो सुपर पावर के रूप में उभरेगा, और ऐसे उभरेगा कि पश्चिमी देश तंग रह जाएंगे। जहां तक इंडिया की बात है, ऐसे दो वर्ष हैं जिसमें नॉस्ट्रेडेमस इंडिया के बारे में सुपर पावर बन जाएगा ऐसे कहते हैं। एक तो है सेंचुरी 10 वर्ष नंबर 96। ये कहते हैं एक ऐसा देश जो सागर के नाम से होगा, तीन सागर हैं उसके ऊपर जो नाम है, जिस कंट्री का नाम सागर के ऊपर है वो एक विश्व पावर बनने जा रहा है। हिंद महासागर जो है, इंडियन ओशन है, इंडिया का नाम वहीं से आता है, हिंदुस्तान। नास्त्रेदमस इसका एक ठोस आधार भी बताते हैं। भविष्यवाणी के मुताबिक भारत में तरक्की और विकास की राह में ऐसी क्रांति आएगी कि ये सबसे आगे निकल जाएगा। ये कहते हैं हिंदुस्तान से, बॉटम ऑफ एशिया से एक ग्रेट मूवमेंट स्प्रेड करेगा। तो मतलब इधर कोई एक मूवमेंट होने वाला है जो पूरे वर्ल्ड को और स्पेशली वेस्टर्न पावर्स को जो एस्टोनिश करेगा। तो ये पता नहीं किस टाइप का रेवोल्यूशन मूवमेंट की बात करें, टेक्निकल रेवोल्यूशन होगा, क्या होगा, लेकिन इंडिया वर्ल्ड पावर बनने वाला, इसमें संदेह की बात नहीं है। भारत से इतर बात करें तो एक बात दुनिया के खत्म हो जाने की है। अक्सर दुनिया के विनाश की भविष्यवाणियां सामने आती रहती हैं, लेकिन नास्त्रेदमस के मुताबिक दुनिया का खात्मा सन 7000 में होगा। और जहां तक बात दुनिया अंत होने की है, 7000 AD, इस ईयर तक दुनिया का अंत नहीं होगा। एक ग्रेट मेटियोर स्ट्राइक करेगा अर्थ को, अर्थ का एक्सिस चेंज हो जाएगा, जो आज नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल बन जाएगा, जो साउथ पोल है आज वो नॉर्थ पोल बन जाएगा, और जो अर्थ का रोटेशन है ऑपोजिट हो जाएगा। तो 7000 AD वो एक दिया है। जाहिर है अगर अब तक उनकी सारी भविष्यवाणी सही हुई है तो भारत के सुपर पावर बनने की बात भी सही होगी। हालांकि इसके लिए मेहनत हमें भी करनी होगी ताकि देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ता रहे। देश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नास्त्रेदमस की तीसरे विश्व की भविष्यवाणियों की अनदेखी इसलिए भी नहीं की जा सकती क्योंकि उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर पर भी हमले के बारे में बता दिया था। कौन जानता था कि दुनिया 19वीं शताब्दी में दूसरी बार विश्व युद्ध को देखेगी, लेकिन नास्त्रेदमस ने दुनिया को पहले ही आगाह कर दिया था। नास्त्रेदमस की सबसे बड़ी दो भविष्यवाणियों में से एक था द्वितीय विश्व युद्ध। नास्त्रेदमस ने बताया था कि विश्व को दूसरा विश्व युद्ध झेलना होगा। इस युद्ध में हजारों लोगों का खात्मा होगा। 1939 से 1945 के बीच ये युद्ध लड़ा गया और हजारों सैनिकों और आम लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। इस युद्ध में शामिल देशों की अर्थव्यवस्था, उद्योग धंधे और वैज्ञानिक ताकत बर्बाद हो गई। युद्ध तो एक घटना है जिसके बारे में तुक्का लगाया जा सकता है, लेकिन 300 साल बाद दुनिया में एक महिला आएगी जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर होगी और फिर कार हादसे में उसकी मौत हो जाएगी। ये कोई शख्स इतनी पुख्ता तौर पर कैसे कह सकता है? लेकिन नास्त्रेदमस ने डायना की मौत की घोषणा भी उस वक्त कर दी थी जब उनका अस्तित्व भी नहीं था। द प्रोफेसीज में नास्त्रेदमस ने लिखा, डायना के अंत से पहले पैगंबर के उपनाम वाला शख्स आएगा और उसे गुरुवार के दिन अपने साथ ले जाएगा।
एक उन्मुक्त सिर वाला शख्स भटकते हुए दिमाग से इन लोगों के अंत की वजह बनेगा। नास्त्रेदमस ने जैसा लिखा था वैसा ही हुआ। 1997 में पेरिस में कार दुर्घटना में डायना की मौत हो गई। हादसे के वक्त उनके साथ टोडी अल फहद थे। फहद के पिता का नाम मोहम्मद था, जो पैगंबर का उपनाम है। हादसे की जांच में खुलासा हुआ है कि यह हादसा ड्राइवर के शराब पीने के चलते हुआ। नास्त्रेदमस ने जिस भटके दिमाग वाले शख्स का जिक्र किया है वो यही ड्राइवर था। सिर्फ डायना ही नहीं, नास्त्रेदमस ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या की भी बात अपनी किताब में लिखी है। इसके अलावा आधुनिक युग में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका जिक्र नास्त्रेदमस ने किया है। अगर आप 1999 में जो मैंने लिखा है उस समय तो ना तो उसामा बिन लेदन का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा था और ना ही ये जब सब कंट्रीज बहुत सेफ कंट्रीज मानी जाती थी, और कुछ कुछ वर्सेस जो हैं लगभग 3-4 ऐसे वर्सेस हैं जिनको करेक्टली टाइम किया है। जैसे एक मई की तारीख दे रहे हैं जो आने वाला समय है, सेप्टेम्बर 2001 में उन्होंने क्लियरली लिखा है कुछ होने वाला है जो वर्ल्ड का जो है मैन से मैन का रिलेशन ही बदल जाएगा। एंड वी ऑल नो के 2001 में न्यूयॉर्क ट्विन टावर्स पे बॉम्बिंग हुई थी। यानी 2001 की 9 सितंबर को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले की भविष्यवाणी भी वो कर चुके थे। यही नहीं, खुद अनुपम कपिल ने भी उनकी भविष्यवाणी के आधार पर 1999 में लिखे एक लेख में ये साफ कर दिया था कि अमेरिका में ऐसा कुछ होने वाला है। न केवल इंसान का इंसान से रिश्ता बदल जाएगा बल्कि अमेरिका दूसरे देश पर हमला करने से भी नहीं झिझकेगा। ऐसा ही हुआ भी। इसमें कोई संदेह नहीं कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां हैरान करने वाली है। इसे समझना मुश्किल है कि आखिर कोई शख्स ये कैसे जान गया कि 500 साल बाद क्या होने वाला है। देश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नास्त्रेदमस ने अपनी जवानी के दिनों से भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी थी। एक बार उनकी एक भविष्यवाणी से पूरे यूरोप में सनसनी फैल गई। उन्होंने एक बार एक युवक को भीड़ में देखा और बता दिया कि यह पोप चुना जाएगा। उनकी बात सच साबित हुई और वही युवक फेलिस पेरेसी 1585 में पोप चुने गए। नेपोलियन और हिटलर के बारे में जो अनुमान लगाया वो सच साबित हुआ। एडोल्फ हिटलर विश्व इतिहास का सबसे खूंखार तानाशाह, वो शख्स जिसने अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पूरी दुनिया को युद्ध की विभीषिका में झोंक दिया। एडोल्फ हिटलर की क्रूरता को हकीकत में बदलते दुनिया ने 19वीं शताब्दी में देखा। लेकिन नास्त्रेदमस को बहुत पहले से ही पता था कि 19वीं शताब्दी में एक जानवर जन्म लेगा जो दुनिया की तबाही की वजह बनेगा। पश्चिम यूरोप के घर में एक बच्चे का जन्म होगा। वो अपनी जुबान की ताकत से एक महान सेना को बहका देगा। उसकी प्रसिद्धि पूर्व के दायरे की ओर बढ़ जाएगी। वो क्रूर जानवर अपनी भूख के चलते कई नदियों को पार करेगा। वो कई लोगों को पिंजरे में बंद करने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन अंत में इस जर्मन के हाथ कुछ नहीं लगेगा। 15वीं शताब्दी में द प्रोफेसीज नाम की किताब में नास्त्रेदमस ने जिस शख्स को जानवर कहा वो कोई और नहीं हिटलर है। को महाशक्ति बनाएगा। फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस 16वीं सदी में ये ऐलान करके गए थे। तो क्या वो महान लीडर हमारे बीच आ चुका है? कम से कम सियासत के मैदान पर तो एक ऐसी शख्सियत उभरती दिख रही है। क्या यही शख्स नास्त्रेदमस का पूरब का महान लीडर साबित होगा? देश का नौजवान जाग गया है। हिंदुस्तान बदल रहा है और बदल रही है हिंदुस्तान की तकदीर। हमारे जननायक, हमारे
और इसके लिए कहीं ना कहीं न्यू इंडिया की बात करता ये शख्स जिम्मेदार है। भारत माता की। आज हिंदुस्तान की सियासत के आसमान पर छाया है मोदी मैजिक। दुनिया भर में वर्ल्ड लीडर के तौर पर भी मोदी का डंका बज रहा है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के लीडर ट्रंप और ओबामा भी मोदी के मुरीद हैं। बात चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की हो या नोटबंदी की, मोदी अपने फैसलों से चौंकाते रहे हैं। जाहिर है मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से बदल रहा है। कल तक जो मोदी के कट्टर विरोधी थे, आज उनका गुणगान करते नहीं थकते। विरोधी औंधे मुंह है और मोदी का रुतबा बढ़ रहा है। दुनिया के सबसे सटीक भविष्यवक्ताओं में से एक नास्त्रेदमस ने कहा था कि 21वीं सदी में पूरब में एक ऐसा नेता उभरेगा जो भारत को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तो क्या मोदी ही वो लीडर हैं जो हिंदुस्तान को दुनिया की महाशक्ति बनाएंगे? ये कयास पहले भी लगते रहे हैं। अब मोदी को महान कहने वाले कसीदों में एक और कड़ी जोड़ दी है बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने। किरीट सोमैया अब ताल ठोक कर कह रहे हैं कि 16वीं सदी के मशहूर भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने जिस महान लीडर की बात कही थी, वो कोई और नहीं हिंदुस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए किरीट सोमैया नोटबंदी से लेकर यूपी चुनाव की जबरदस्त सफलता की भी दलील देते हैं। जिस तरह मोदी ने हालिया विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में बीजेपी का परचम लहराया है, उससे बीजेपी खेमे में ऐसा जोश लाजमी है। इससे पहले भी गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी मोदी की तारीफ में ऐसे ही कसीदे पढ़ चुके हैं। बहरहाल हवा का रुख भी यही है। आज पूरा देश मोदी की तरफ देख रहा है, उम्मीदें आसमान छू रही हैं। अब इसमें नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी भी जुड़ती दिख रही है। तो क्या हिंदुस्तान ने आने वाले वक्त में महाशक्ति बनने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं? फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने हिटलर के उदय और 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक से जुड़ी कई भविष्यवाणियां की थीं जो सही साबित हुईं। अब पूरब के महान लीडर का जो जिक्र नास्त्रेदमस करके गए हैं, क्या मोदी एक नायक के तौर पर उसे सही साबित करेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल हम आपको बताएंगे 2017 के संदर्भ में और क्या कुछ कहा था नास्त्रेदमस ने। बने रहिए तेज के साथ। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कोई नहीं जानता। इसके बावजूद भविष्य को जानने समझने की कोशिश सदियों से की जाती रही है। नास्त्रेदमस भी ऐसे भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने सैकड़ों ऐसी भविष्यवाणियां की जो आगे चलकर सही साबित हुई। देखते हैं साल 2017 को लेकर नास्त्रेदमस ने क्या कुछ कहा था। साल 2017 के लिए सबसे बड़े भविष्यवक्ता की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। साल 2017 में हिंदुस्तान में होगा युग परिवर्तन। साल 2017 में दुनिया के देशों में बढ़ेगा हिंदुस्तान का कद। साल 2017 में दुनिया के कई मुल्कों में होगी बड़ी उथल पुथल।
जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस की साल 2017 के लिए की गई सबसे बड़ी भविष्यवाणियाँ। आपको 2017 के लिए नॉस्ट्रेडमस की 10 बड़ी भविष्यवाणियाँ बताएं। उससे पहले आपको ये बता दें कि नॉस्ट्रेडमस की कई भविष्यवाणियाँ सटीक साबित हुई हैं। यही वजह है कि दुनिया नॉस्ट्रेडमस को उनकी सटीक भविष्यवाणियों के लिए जानती है। नॉस्ट्रेडमस ने अपनी किताब द प्रोफेसीज में कई भविष्यवाणियां की थी। इस किताब में सैकड़ों साल पहले नॉस्ट्रेडमस ने कोल्ड वॉर में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए परमाणु बमों और उनसे हुई भयानक तबाही का जिक्र तक किया था। नॉस्ट्रेडमस ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले समेत कई घटनाओं का जिक्र अपनी भविष्यवाणी में सैकड़ों साल पहले कर दिया था। यहाँ तक कि नॉस्ट्रेडमस ने सैकड़ों साल पहले ये भी बता दिया था कि कोई अश्वेत अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। हैरानी की बात तो ये है कि सैकड़ों साल बाद नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई और बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने। फ्रांस के भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस का जन्म 14 दिसंबर 1503 में एक छोटे से गांव सेंट रेमी में हुआ था। 47 साल में नॉस्ट्रेडमस चिकित्सक के पेशे को छोड़ अपना पूरा ध्यान ज्योतिष विद्या की साधना पर लगाने लगे। 1550 से नॉस्ट्रेडमस ने वार्षिक पंचांग भी निकालना शुरू कर दिया। नॉस्ट्रेडमस के पंचांगों में ग्रहों की स्थिति, मौसम और फसलों आदि के बारे में पूर्वानुमान होते थे। कहा जाता है कि नॉस्ट्रेडमस की कई ज्यादातर बातें सच साबित होती थी। नॉस्ट्रेडमस ज्योतिष के साथ ही जादू से जुड़ी किताबों में घंटों डूबे रहते थे। उन्होंने 1555 में ही भविष्यवाणियों से संबंधित अपनी पहली किताब निकाली। इस किताब ने फ्रांस में इतना तहलका मचाया कि ये हाथों हाथ बिक गए और नॉस्ट्रेडमस अपनी भविष्यवाणियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। आपको बता दें कि नॉस्ट्रेडमस ने अपनी ज्यादातर भविष्यवाणियों को कोट के जरिए लिखा था। इनमें से कई भविष्यवाणियां समय समय पर बाहर आती रहती हैं। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर साल 2017 को लेकर नॉस्ट्रेडमस ने क्या क्या भविष्यवाणियां की हैं। साल 2016 में हिंदुस्तान में कई बड़ी बातें हुई। भारत ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया। मोदी सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया। नोटबंदी को काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक भी कहा गया। नोटबंदी के बाद हिंदुस्तान को कैशलेस बनाने की मुहिम शुरू हो गई। हर तरफ डिजिटल इंडिया का शोर है। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या नया साल सचमुच हिंदुस्तान के लिए युग परिवर्तन का साल साबित होगा। नॉस्ट्रेडमस की माने तो नए साल में ऐसा बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जो हिंदुस्तान की काया पलट कर सकता है। ये बदलाव हिंदुस्तान को दुनिया की नई महाशक्ति बना सकता है। दुनिया के मंच पर जिस हिंदुस्तान को अब तक उसकी असल ताकत से कमजोर आंका जाता रहा है, कई बार तो हिंदुस्तान के खिलाफ अमेरिका जैसी सुपर पावर ही नहीं, नेपाल और बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे देश भी मोर्चा खोलते रहते हैं, आंखें दिखाते रहते हैं। लेकिन अगर नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी सच हुई तो अब ऐसा नहीं होगा। आपको बताएंगे नए साल के लिए नॉस्ट्रेडमस ने दुनिया के दूसरे देशों के बारे में क्या कहा है। नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के मुताबिक किस देश पर लटकी है दिवालिया होने की तलवार। साल 2017 में किस देश में किस वजह से मचेगा सबसे ज्यादा हाहाकार। साल 2017 में कौन सा देश दुनिया के लिए बनेगा बड़ा खतरा। ये सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले 2017 के लिए नॉस्ट्रेडमस की वो भविष्यवाणियां जो उसने खास तौर से हिंदुस्तान के लिए की है। साल 2017 के लिए बड़ी भविष्यवाणियां। नॉस्ट्रेडमस की पहली भविष्यवाणी, दुनिया में बढ़ेगी हिंदुस्तान की धाक। नॉस्ट्रेडमस ने अपनी किताब में इस बात के पुख्ता संकेत दिए हैं कि साल 2017 हिंदुस्तान के लिए काफी अहम साल साबित होगा। भारत के बारे में कहा गया है कि जो कभी सपने में भी संभव नहीं हो सका वो शायद साल 2017 में हो जाए। नॉस्ट्रेडमस की साल 2017 से जुड़ी भविष्यवाणी कहती है कि भारत 2017 का साल याद रखेगा। इस साल हिंदुस्तान में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हिंदुस्तान की दुनिया में जबरदस्त धाक जमेगी। हिंदुस्तान का जलवा कुछ ऐसा होगा कि इसे नजरअंदाज करना दुनिया के किसी भी देश के लिए भारी होगा।
ऐसे बदलाव होंगे जो हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में सबसे आगे रहने वाले चंद देशों की कतार में ले जाएंगे। नॉस्ट्रेडमस की हिंदुस्तान के लिए की गई भविष्यवाणी को लेकर तरह तरह के कयास अभी से लगाए जाने लगे हैं। क्या आर्थिक मोर्चे पर भारत की बढ़ी ताकत उसे सुपर पावर बनाएगी, या फिर यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में हिंदुस्तान के परमानेंट मेंबर बनने से विश्व बिरादरी में भारत की धाक जमेगी, या फिर हिंदुस्तान बनाएगा कोई ऐसा हथियार जिसकी जद में आ जाएंगे दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देश, इस पर सबकी नजर रहेगी। साल 2017 के लिए बड़ी भविष्यवाणियां, नॉस्ट्रेडमस की दूसरी भविष्यवाणी, मोदी सरकार लेगी कई बड़े फैसले। साल 2017 के लिए हिंदुस्तान के बारे में नॉस्ट्रेडमस ने एक और अहम भविष्यवाणी की है। नॉस्ट्रेडमस ने अपनी भविष्यवाणी में भारत पर राज करने वाले शख्स का भी जिक्र किया है। नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेहतरीन शासक साबित होंगे। नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी पर गौर करें तो नरेंद्र मोदी 12 साल तक अपने पद पर रहकर काम करते रहेंगे, यानी नॉस्ट्रेडमस के संकेतों के मुताबिक साल 2026 तक मोदी सरकार भारत पर राज करेगी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि साल 2017 में प्रधानमंत्री मोदी वो कौन कौन से बड़े फैसले लेते हैं जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ेगा हिंदुस्तान का रुतबा। नॉस्ट्रेडमस ने साल 2017 को लेकर कई चौंकाने वाली बातें भी कहीं। जाहिर है नॉस्ट्रेडमस की इन भविष्यवाणियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जिनका मौजूदा हालात से गहरा ताल्लुक है। साल 2017 के लिए बड़ी भविष्यवाणियां, नॉस्ट्रेडमस की तीसरी भविष्यवाणी, उत्तर और दक्षिण कोरिया का होगा विलय। साल 2017 के लिए दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस ने की है एक ऐसी चौंकाने वाली भविष्यवाणी जिसे सुनकर आप जरूर पूछ बैठेंगे, भला ये कैसे हो सकता है। पहले बात उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया का नाम आते ही जहन में सबसे पहले स्थूर तानाशाह की तस्वीर आती है, जिससे उत्तर कोरिया की जनता त्राहिमाम कर रही है, जो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। इस सनकी तानाशाह का नाम है किम जोंग उन। किम जोंग उन की क्रूरता के किस्से भरे पड़े हैं। ये इतना बेरहम है कि उत्तर कोरिया के हर नागरिक के दिल में इसका खौफ भरा हुआ है। दूसरी तरफ है दक्षिण कोरिया। यहाँ लोग खुली हवा में सांस लेते हैं, जहाँ तरक्की के साथ साथ खुलापन है। आर्थिक प्रगति के दम पर ये देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने के साथ ही एक मजबूत ताकत के रूप में भी उभर चुका है। दक्षिण और उत्तर कोरिया की ऐसी उलट स्थितियों को देखते हुए ही कहा जाता है कि ये दोनों मुल्क दुनिया के ऐसे छोर बन चुके हैं जो कभी आपस में नहीं मिल सकते। आपको बता दें कि कभी उत्तर और दक्षिण कोरिया एक थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1948 में ये अलग अलग देश बन गए। ऐसे में सवाल ये कि क्या इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा, क्या फिर से दक्षिण और उत्तर कोरिया एक हो जाएंगे। नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी को जानने के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर 2017 में ऐसा क्या होगा कि दोनों देश फिर से एक हो जाएंगे। नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2017 में उत्तर और दक्षिण कोरिया का आपस में विलय हो सकता है। नॉस्ट्रेडमस के संकेतों को माने तो उत्तर कोरिया के क्रूर शासक किम जोंग को अपदस्थ किया जा सकता है। किम जोंग के हाथ से सत्ता जा सकती है। 2017 में उत्तर कोरिया के लोगों को किम जोंग उन की क्रूरता से छुटकारा मिल सकता है। ऐसे में उत्तर और दक्षिण कोरिया के आपस में मिल जाने का रास्ता साफ हो सकता है। नॉस्ट्रेडमस के मुताबिक साल 2017 में इसकी जबरदस्त संभावना है। नॉस्ट्रेडमस की किताब से मिले संकेतों के मुताबिक सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद किम जोंग उन रूस में पनाह ले सकता है। जाहिर है साल 2017 में पूरी दुनिया की नजर उत्तर कोरिया में होने वाले घटनाक्रमों पर लगी रहेगी। पूरे साल लोग इस बात का जरूर इंतजार करेंगे कि उत्तर कोरिया में ऐसा क्या होता है जिससे सनकी तानाशाह किम जोंग उन के शासन का अंत होता है। साल 2017 के लिए बड़ी भविष्यवाणियां, नॉस्ट्रेडमस की चौथी भविष्यवाणी, पूरी दुनिया को चौंकाएगा चीन।
से चीन की चालबाजी किसी से छिपी नहीं है। चीन ने तो जैसे ठान लिया है कि वो अपनी हर चाल से पाकिस्तान को शह और हिंदुस्तान को मात देगा। ऐसा चीन सालों से करता आया है, लेकिन खास बात यह है कि साल 2017 में चीन की यह चालबाजी और बढ़ेगी। ड्रैगन की टेढ़ी चाल से न सिर्फ हिंदुस्तान परेशान होगा, बल्कि पूरी दुनिया को भी झटके लग सकते हैं। दक्षिण चीन सागर का विवाद उन्हीं में से एक हो सकता है। नास्त्रदमस की भविष्यवाणी कहती है कि साल 2017 में चीन कई बड़े और विवादास्पद फैसले ले सकता है। नास्त्रदमस की माने तो चीन के फैसलों का असर दुनिया के ज्यादातर देशों पर पड़ सकता है। नास्त्रदमस के संकेतों में छिपे अर्थ इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आर्थिक मोर्चे पर साल 2017 में चीन कई बड़े कदम उठा सकता है। नास्त्रदमस के मुताबिक इन फैसलों का असर सिर्फ चीन में ही नहीं, दुनिया के कई मुल्कों पर दिखेगा। साल 2017 के लिए बड़ी भविष्यवाणियां, नास्त्रदमस की पांचवी भविष्यवाणी, इटली में होगी भारी उथल पुथल। दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2017 इटली के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। नास्त्रदमस के दिए संकेत बताते हैं कि नए साल में आर्थिक मोर्चे पर इटली को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नास्त्रदमस के मुताबिक कर्ज और बेरोजगारी की वजह से इटली के आर्थिक हालात डामाडोल हो सकते हैं। इटली का बैंकिंग सिस्टम चरमरा सकता है। नास्त्रदमस की भविष्यवाणी बताती है कि आर्थिक मोर्चे पर आई परेशानियों से निपटने में इटली को नाको चने चबाने पड़ेंगे और इन दिक्कतों से संभलने में इटली को कई साल तक लग जाएंगे। साल 2017 के लिए बड़ी भविष्यवाणियां, नास्त्रदमस की छठी भविष्यवाणी, रूस यूक्रेन में होगा शांति समझौता। सबसे बड़े भविष्यवक्ता नास्त्रदमस के मुताबिक साल 2017 रूस और यूक्रेन के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। नास्त्रदमस की भविष्यवाणियां बता रही हैं कि साल 2017 में दोनों देश शांति समझौते के लिए राजी हो सकते हैं। हालांकि संकेतों से पता चलता है कि अमेरिका इस समझौते को नहीं मानेगा, लेकिन कई यूरोपीय देश इसे अपना समर्थन दे सकते हैं। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि उसे किसी भी सूरत में कीव पर क्रेमलिन का ध्वंस मंजूर नहीं है। आपको बता दें कि यूक्रेन 1991 में सोवियत संघ से अलग होकर देश बना था। गौरतलब है कि एक दूसरे के पड़ोसी होते हुए भी रूस और यूक्रेन के रिश्तों में हमेशा ही कटुता रही। रूस का आरोप है कि यूक्रेन के बहाने अमेरिका और उसका सैन्य संगठन नाटो इलाकों में अपनी पैठ बढ़ाना चाहते हैं, जिसे वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब देखना होगा कि नास्त्रदमस की भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2017 में आखिर वो कैसे हालात बनते हैं जिनकी वजह से रूस और यूक्रेन शांति समझौते के लिए तैयार होते हैं।